हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में शायद आपको कुछ देखने को न मिले, लेकिन इसमें जो जानकारी है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस वॉइस ओवर को आप पूरा जरूर सुने। और आज हम बात करने वाले हैं ओट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नाश्ते में जो हम ओट्स खाते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये हमारी सेहत के लिए किस प्रकार गुणकारी होता है। साथ ही इसे खाने से पहले हमें किन चीजों यानी कि बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओट्स दोस्तों अनाज की एक प्रजाति है जो अपने बीजों के लिए जाना जाता है। ये जई से बनता है और अधिक मात्रा में फाइबर एवं कई पोषक तत्व मौजूद होने के कारण नाश्ते के लिए इसे सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर जल में घुलनशील होता है और ये आसानी से पच जाता है, इसलिए इसे ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा माना जाता है। पिछले कुछ दशकों से ये इंसानों द्वारा खाया जाता था, यानी कि एक समय में ओट्स की कच्ची फसलों को सिर्फ जानवर ही खाया करते थे, लेकिन बाद में इसे काफी हद तक प्रोसेस्ड करके इंसानों के लिए भी बनाया गया और मार्केट में बिकने लगा। खाद्य युक्त ओट्स कई अलग अलग रूपों में बाजार में उपलब्ध होता है, इसलिए आपको इसे खरीदते समय ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार का ओट्स आपको खाना है। आइए बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। ओट्स दोस्तों हृदय रोगों को दूर करता है। ओट्स में बीटा ग्लूकोन नामक शक्तिशाली फाइबर पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। ओट्स में घुलनशील फाइबर का मुख्य घटक बीटा ग्लूकोन है और ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बढ़ाता है और शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। ओट्स डायबिटीज के इलाज में भी लाभकारी होता है। ओट्स में ग्लाइसेमिक कम मात्रा में पाई जाती है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होने के कारण ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है। फाइबर से भरपूर होने के कारण ये आसानी से पच भी जाता है। स्टडी के अनुसार ओट्स टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। ओट्स खाने से कैंसर का खतरा कम होता है। ओट्स में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में सहायता करता है। ओट्स में मौजूद फाइबर रेक्टल और कोलोन कैंसर से हमारी सुरक्षा करता है। ओट्स पर कुछ सीमित रिसर्च भी हुए हैं जिसमें ओट्स को कैंसर से बचाव के लिए उपयोगी माना गया है। ओट्स खाकर आप हाई बीपी को दूर कर सकते हैं। ओटमील खाने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 7.5 पॉइंट और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 5.5 तक कम हो जाता है। ये सिर्फ हाई बीपी को ही नहीं कम करता है बल्कि हार्ट की बीमारियों के खतरे को भी 22% तक दोस्तों कम कर देता है। इसके लिए आप ऑर्गेनिक ओट्स का इस्तेमाल करें, ये ज्यादा लाभकारी होते हैं। ओट्स हमारे शरीर में इम्यूनिटी को सुधारता है। ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकोन इम्यूनिटी के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर में मौजूद ज्यादातर प्रतिरक्षा कोशिकाएं विशेष रिसेप्टर का काम करती है जो ग्लूटाकोन को अवशोषित कर लेती है और ये व्हाइट ब्लड सेल को शरीर से बाहर कर हमें बीमारियों से बचाती है। ओट्स में अधिक मात्रा में सेलेनियम और जिंक पाया जाता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और घाव भरने में भी सहायक होता है। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना इसके फायदों के बारे में, लेकिन अब जान लेते हैं कि इस ओट्स को खाने से पहले आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी होती है। ओटमील को सही तरीके से न पकाने पर या अधपका खाने से आंतों में रुकावट पैदा हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति को कब्ज की समस्या भी हो सकती है। ओट्स में मौजूद फैटिक एसिड अगर आप ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो अधिक सेवन करने पर ये हमारे शरीर से ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता है जिसकी वजह से पाचन क्रिया भी खराब हो सकती है। अगर आप कम तत्वों से युक्त यानी कि ऑर्गेनिक ओट्स का सेवन नहीं करते हैं, सही क्वालिटी का ओट्स सेवन नहीं करते हैं तो इससे नींद की समस्या, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, चिंता, मोतियाबिंद, नाखून कम बढ़ना, थकान और माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। तो आप ओट्स खाने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।